आओ सुने अच्छी बातें, मदद करना सीखिए। मदद संसार की सबसे बड़ी वो दवा है जो दुआओं के पात्र बना देता है, और दुआ कितने भी तूफान आए उसको ऐसे उड़ा के ले जाता है, तूफान को तोहफा बना देता है। इसलिए मदद करना सीखिए। परीक्षा संसार की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की करनी चाहिए, और समीक्षा अपनी करनी चाहिए, पर हम करते थोड़ा अलग हैं। परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं, और समीक्षा दूसरों की करते हैं। बदलिए अपने विचार, बदलेगा इस संसार। जिसको याद करेंगे उनके जैसे बनते जाएंगे, जिसको याद करेंगे उनके जैसे बनते जाएंगे। सोचो जरा, किसको याद करना है, क्यों याद करना है, कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है, उसे याद करने से मुझे क्या मिलेगा। तो जीवन सुधरेगा, संसार बनेगा स्वर्ग। अपने अंदर पैदा कर लो एक तो चुप रहना, दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर और कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बेहतर और कोई सजा नहीं। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनो, खुशी के साथ सुकून भी मिलेगा और आराम भरी जिंदगी बन जाएगी। जिंदा हो तो गलत का विरोध करना सीखें, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। ख्वाहिशों नहीं भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पे मंजिल का पता लेकर। दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर आप सुरक्षित भले रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो स्वयं की परछाई नजर नहीं आती। उड़ते रहें, उड़ाते रहें। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता, बिना दिए के रोशन नहीं होता। सवेरा चाहिए तो सूरज को आना जरूरी है। जीवन में सफलता चाहिए तो दृढ़ता होना जरूरी है। आगे बढ़े, उन्नति की सूरज को देखें, समय को पहचाने, अपने आप को जाने। इंसान के दुखी होने का कारण ये भी है कि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, पर गिनती उसी की वो करता है जो हासिल होना सका। आज को इतना आकर्षक बनाओ कि आपका कल जल जाए, सुखमय बन जाए। संसार उस नजर से देखिए, वो चश्मा पहनिए, क्योंकि एक बात याद रखें, वापसी टिकट तो कंफर्म है, दिन और समय भी निश्चित है। इसीलिए मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए। छोड़िए शिकवा शिकायत, आभार और धन्यवाद कीजिए। जितना है पास उसका मजा लीजिए, लोगों की बातें कभी दिल पर ना लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोग अमरुद खरीदते हैं तो समय पूछते हैं, मीठे हैं ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। लोगों की परवाह मत कीजिए, अपने में जिए। नहीं गिरने से ज्यादा महान काम है हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम है हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। सही मायने में वह व्यक्ति महान है जो अपने सिद्धांतों से समझौते किए बिना परिस्थितियों से तालमेल बैठा लेता है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो वाहें चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने के तैयार रहते हैं।
परिश्रम भाग्य की जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो इसी के लिए सदा अग्रसर है उसके कदम में पदम पदम सफलता 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 है। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रोने पे आंसू बहाती है जिंदगी, प्यार दो तो संवर जाती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी। जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी, नजरियां बदलते ही बदल जाती है जिंदगी। कोई मुट्ठी भर बीज बिखरे दो दिल की जमीन पर भी, बारिश का मौसम आ गया है, शायद कुछ अपनापन पनप जाए। यूं ही छोटी सी बात पर तालुकात बिगड़ जाते हैं। मुद्दा होता है सही क्या है, और लोग सही कोने पर उलझ जाते हैं। एक संतुलित मन के दरबार कोई तपस्या नहीं, संतोष के दरबार कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसे कोई बीमारी नहीं है, और दया के जैसे कोई सदाचार नहीं है। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है, और अनुभव आपकी गलतियों को कम कर देता है। धूप की छाओं में तू छाव बनकर आया है मेरे मालिक, मेरी हर तकलीफ को तूने हर बार अपनाया है, कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक, ए खुदा मेरे मालिक। तूने ही तो मुझे जैसे कंकर को हीरा बनाया है, ए मेरे मालिक। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है, यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी चाहिए। आपका हर लम्हा स्नेहिल खुशियां भरा और मंगलमय हो। जिंदगी तलाशती है खुशियों के ठिकाना, खुशियां वहां मिलती है जहां होता है सद्भावना। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए तपस्या करना ये भी कहा जाता है। ये कठिन तप और कोई नहीं कर सकता है, और जिसने किया वो संसार में सबसे श्रेष्ठ महान है। अपने में रहो, अपने में नहीं, अपनों में रहो, अपने में नहीं। हमारा लोक से जिस भाव से जैसा व्यवहार होता है, निश्चित है कि हम भी वैसा ही व्यवहार लोगों से प्राप्त करना चाहेंगे और प्राप्त होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पेड़ हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी आएंगे चले जाएंगे, यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव के रत्न कहां से लाएंगे। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची बस दौलत है, संपत्ति है। आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे बैठ सकते हैं, आप बड़े हैं आप फिर भी नीचे बैठते हैं, किसी ने पूछा तो उन्होंने प्यार से उत्तर दिया, बहुत ही खूबसूरत जवाब था। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए चलते फिरते परमात्मा से कनेक्ट में रहना है, अर्थात परमात्मा की याद में रहना है। यह मीठा सा शक्ति अपनी अंदर भर लो। संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम भाग्यशाली वो हैं जिनके पास भोजन है और भूख भी है।
सहज है और नींद भी है, धन है साथ में धर्म भी है, विशिष्टता है साथ में शिष्टता भी है, सुंदर रूप के साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति है और स्वास्थ्य भी है, बुद्धि है तो साथ में विवेक भी है, परिवार है तो साथ में प्यार भी है। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है, इसलिए संपन्न बने और संपूर्णता को प्राप्त करें। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध लोभ मोह अभिमान और जलन ईर्ष्या रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार सम्मान ज्ञान विज्ञान मानवता दिव्यता दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। जीवन में कभी किसी का दुख भी लिया करो, उसका भी एक अलग आनंद है। सुख का आनंद तो सब ही लेते हैं, लेकिन आनंद में मुस्कुराहट गायब ना हो। इंसान दो मामले में बेबस हो जाता है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। इस दौर की जिंदगी में वफा ढूंढ रहे हैं हम, बड़े नादान हैं, जहर की शीशे में दवा ढूंढ रहे हैं हम। गमों की बारिश को भी मेरे होठों ने छुपा रखा है, कमबख्त नैनों को ये हुनर कबूल ही नहीं है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जो मनुष्य आत्माएं इस जन्म में अपने मन को साफ करने का प्रयास नहीं करते, वो अगले जन्म में भी दुख ही पाती है, क्योंकि सूरत बदल लेने से सीरत नहीं बदलती, पर हाँ सीरत बदल लेने से सूरत अवश्य बदल जाती है। हाथ में टच फोन स्टेटस के लिए तो अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहो तो जिंदगी के लिए और अच्छा है। जिनके प्रति हमारा गहरा विश्वास होता है, उनके प्रति हमारे सारे अनुमान सकारात्मक होते हैं, जबकि अविश्वास हमारे सारे अनुमान को नकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है। एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अनजान व्यक्ति की नजरों से भयभीत नहीं होता। कभी भी हम एक ही गलती दो बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार जब हम गलती करते हैं तो वो गलती नहीं बल्कि विकल्प होता है। आज से हम अपनी गलतियों से सीखें और कभी ना दोहराएं। जब हमें अन्य मनुष्य आत्माओं में विशेषताओं के स्थान पर कमियां नजर आने लगते हैं, फिर भी हम अपने नजरियों से सही होते हैं। बस हमारे मन में सुखद अनुभव के स्थान पर कटु अनुभव कड़वे जगह बना लेते हैं। क्या गलत हो सकता है ये सोचकर घबराने के बजाय इस समय पर आप ध्यान दें क्या सही हो सकता है। आज से हम परिस्थितियों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। संपूर्ण विशेषता जीवन में लाने के लिए संपूर्ण प्रयास करना जरूरी है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन असल में बड़ा वही होता है जिसके दिल में सबके लिए प्यार स्नेह और सम्मान सत्कार की भावना हो। दूसरों से नफरत करके हम कभी कुछ नहीं जीतते, और दूसरे से स्नेह देकर हम कभी कुछ नहीं हारते। नाम दान लेने के बाद यदि कोई किसी का दिल दुखाता है, कटु वचन बोलता है, किसी दूसरे को नीचे दिखाता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है, भेदभाव करता है, परमात्मा से शिकायत करता है, तो समझ लेना कि नाम दान लेने के बाद भी
उसने नामदान नहीं लिया। नामदान लेने के मतलब सिर्फ नाम जपना ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना भी होता है। दूसरों की कमियां निकालने से पहले अपने दिल का हुजरा साफ करना होता है। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियों को कम कर देता है। अगर भय को जीतना है तो उस परिस्थितियों का सामना करना सीखो जिससे भय लगता है। संसार का नियम है, ताकतवर कमजोर को दबाता है, इसीलिए स्वयं को परमात्मा की शक्तियों से भरपूर कर लो, जीवन से भय अलविदा हो जाएगा। दुआओं का कार्य बड़ा चमत्कारी होता है। गलत आदमी कितने भी मीठा लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी। अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, सही एक दिन औषधि का काम आएगी। जीवन को पुष्प समान बनाए जो हर समय खुशबू की तरह चारों तरफ वातावरण को स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाए। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमाग भी दिन रात करती है पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। सचमुच जिंदगी परमात्मा का एक दिया हुआ वरदान है, उसको खुशी से जिए, मुस्कुराए, आगे बढ़े। सुकून उतना ही देना मेरे मालिक जितने से जिंदगी गुजर जाए। औकातवास इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से नीव जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का अदब रख पाए। सांसें जिस्म में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। संपूर्ण स्वस्थ रहना आपके मुस्कुराहट के ऊपर आधार है, इसलिए मुस्कुराइए और संपूर्ण स्वस्थ बनिए। जो हर कार्य भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, भगवान अर्थात उनकी मदद और कृपा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में चाहे कितने भी रात्रि हो, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर हम अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यता का आह्वान सिर्फ 9 दिन नहीं, दिव्यता हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम अन्य मनुष्य आत्माओं में विशेषताओं देखने लगेंगे तो वो विशेषताएं हमारे अंदर आने लगेंगे। जिस तरीके से हम अपने हाथों से कचरा उठाते हैं और गंदगी लग जाती है, उसी प्रकार अवगुण भी हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए स्वच्छ रहें, साफ रहें और आगे बढ़ें। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही लोग जो आपको समझ पाते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते। कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। किसी का अहम मुझे काट रहा है तो किसी का वहम मुझे जला रहा है। अगर कोई है तो जो मेरा थाम ले, सबसे बचा के मुझे वो आगे बढ़ा रहा है। मेरे खुदा मेरा हम सफर। मैं खुदा का हो गया हूं फिर हमारी जीत निश्चित है। यदि हम अच्छाई पर अड़िग रहें, क्योंकि अच्छाई शक्ति है और बुराई कमजोरी, तभी सच्चाई केला चलता है और झूठ को समूह की आवश्यकता पड़ती। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आज इंसान भी बहुत कमाल का है।
पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए सदा अच्छा होता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठा भला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन आपके साथ वक्त चलेगा। अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं साथ नहीं हूं तुम्हारे, मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ देता हूं। ये ईश्वर की आवाज है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। दिल को उस दिलाराम के हवाले कर दो तो दिल सदा आराम महसूस करेगा। रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी, जीवन एक यात्रा है और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। तेरी जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लेना उस पे खुदा का ही साइन है। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राहों के कांटे फूल बनकर खिलते गए हैं। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे प्रभु का, वरना उसी राहों पे कई फिसलते गए। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। ना बदलो कभी अपनी स्माइल को, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। चलते चलते थक ना जाना, ना कहीं रुक ना जाना। बढ़ना है तो बढ़ते जाना, क्योंकि एक बार सूरज उगता है तो वो बढ़ता जाता है। लगाव एक समय था जब किसी को स्टेशन तक छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, और अब शमशान में भी लोगों की आंखें खुली रह जाती है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक साथ रहती है वो है विधि का विधान। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठ पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते। कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। किसी का अहम मुझे काट रहा है तो किसी का वहम मुझे जला रहा है। अगर कोई है तो जो मेरा थाम ले, सबसे बचा के मुझे वो आगे बढ़ा रहा है। मेरे खुदा मेरा हम सफर, मैं खुदा का हो गया हूं, फिर हमारी जीत निश्चित है यदि हम अच्छाई पर अड़िग रहें, क्योंकि अच्छाई शक्ति है और बुराई कमजोरी। तभी सच्चाई अकेला चलता है और झूठ को समूह की आवश्यकता पड़ती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि
जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आज इंसान भी बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए सदा अच्छा होता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठा भला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन आपके साथ वक्त चलेगा। अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं साथ नहीं हूं तुम्हारे, मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ देता हूं। ये ईश्वर की आवाज है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक है, उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। दिल को उस दिलाराम के हवाले कर दो तो दिल सदा आराम महसूस करेगा। रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी, जीवन एक यात्रा है और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। तेरी जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लेना उस पे खुदा का ही साइन है। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राहों के कांटे फूल बनकर खिलते गए हैं। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे प्रभु का, वरना उसी राहों पे कई फिसलते गए। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। ना बदलो कभी अपनी स्माइल को, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। चलते चलते थक ना जाना, ना कहीं रुक ना जाना। बढ़ना है तो बढ़ते जाना, क्योंकि एक बार सूरज उगता है तो वो बढ़ता जाता है। लगाव एक समय था जब किसी को स्टेशन तक छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, और अब शमशान में भी लोगों की आंखें खुली रह जाती है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक साथ रहती है वो है विधि का विधान। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता हो तो प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है। जहां हम नहीं होते हैं वहां हमारे गुण व अवगुण हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। समय तो चलता जाता है, लेकिन समय के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इस सुंदर फूल की तरह आपकी हर सुबह सुंदर हो, और हमेशा इसी तरह एक फूलों की तरह सदा मुस्कुराते खिलते रहो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है पर कमाया नहीं जाता। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय दुआ निकलना महान आत्मा के लक्षण है। सबको मिला है
बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आपको मिला है उतना कितनों को मिला है? साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। किसी की दृष्टि खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु अगर किसी की दृष्टिकोण ही खराब हो जाए तो उसका उपचार असंभव है। हर वो काम असंभव लगता है जिसे करने की कोशिश ही ना की जाए। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का वक्त नहीं मिलता। चलते रहें, बढ़ते रहें, उड़ते रहें, उड़ाते रहें। इतने कामयाब तो जरूर बिना किसी के मजाक उड़ाने वालों की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाए। इतनी कामयाबी करें, इतनी कामयाबी निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है, और ईश्वर उसे खुद सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्म का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, पर सिद्ध होती है उसके व्यवहार से। मनुष्य का अहंकार ही उसके सारे अधर्म कार्य और पापों का मूल मंत्र है। एक रूह ना जाते हुए जिस्म से ये कहा, ले देख ले अब तेरी क्या औकात रह गई। विशेषताएं सबके अंदर भरी पड़ी है, बस उस विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाना यही विशेषता है। जिसने दी है जिंदगी उसका शायद नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। यदि आप गपट शंख लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं तो उनकी निंदा के अगले पात्र आप ही होंगे। हे मेरे ईश्वर, महंगी घड़ी सबको देना और मुश्किल घड़ी किसी को ना देना। ये दिल की दुआएं सबके लिए निकले। जब आप क्रोध करते हैं तो आपका स्वभाव नहीं बिगड़ता, बल्कि और भी बहुत कुछ बिगड़ जाता है। लाखों भटकते हैं पर वो एक मंजिल दिखलाता है। लाखों रोते बिखलते हैं वो आंसू पोंछने आता है। दिल में उठती जो दुआ एक पल में ही सुना जाता है, वही नूरे जहां इस दुनिया में। ईश्वर मेरे जिंदगी को वहां वहां करने वाला बाबा कहलाता है। ढूंढना ही तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वालों तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानियां देते हैं। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत सब थरथ के आईने हैं। हाथों में तेरा हाथ हो खुदा, बस मुश्किल जिंदगी के मायने हैं। दर्दनाक परिस्थिति के समय तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे समय पर मन की शुभ भावना की दिव्य प्रकाश की किरणें देते रहें। तेरे एहसान पर ये दिल कुर्बान है, तेरी ही पलकों में मेरा जहान है। तुमसे ही होठों पर प्यारी मुस्कान है, खुदा तुमसे मेरी जिंदगी महान है। कौन कहता है तस्वीर बाबा की
उस खुदा की, उस ईश्वर की बात नहीं करती। बात तो करती है पर आवाज़ नहीं करती। मुस्कुरा उठता है, मुस्कुरा उठता है खुदा का नूर तस्वीर। बच्चों की बात को सुनकर अपने गम भूल जाते हैं, बच्चे बाबा की मुस्कुराहट को देखकर। हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन कोई भी खुद से शुरू करना नहीं चाहता। पर पहले खुद से शुरू कीजिए कि मुझे बदलना है। उदास को, निराश को उमंग उत्साह में बदलिए, क्योंकि अंधेरा को सूरज प्रकाश में बदल देता है। विश्व का दीपक अर्थात विश्व प्रति सदा कल्याण, विश्व द्वारा सदा सत्कारी, सर्व वरदानों के अधिकारी, तो ऐसा दीपक बनिए। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। स्वयं भगवान ने तुम्हें मान लिया है, फिर तुम मनुष्य से मान की इच्छा क्यों रखते हो? खुदा, आप मेरे पास आएंगे और मुझे आप सा बनाएंगे और संपूर्णता के लकीर पर, राहों पर मुझे फरिश्ता बनाएंगे। जब से मुझे पता चला है कि मेरा साथी स्वयं खुदा है, तब से मैंने सोचना बंद कर दिया कि मेरे खिलाफ कौन है। हमारे इस चैनल में अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।